हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैशनिक। आज मैं बेस बनाने का तरीका बताऊंगी। मेरी मॉडल की स्किन माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी स्किन है। सबसे पहले मैं कैमोफ्लैज कर रही हूँ चेरीज कंपनी का, ओरिएंटल से कैमोफ्लैज किया है मैंने अच्छे से। आंखों के नीचे, आंखों के इनर कॉर्नर्स, लिप्स के मुंह खुलवा के जो कॉर्नर्स होते हैं वो सब जगह लगाने के बाद मैंने बेस लिया है 45 का। ये भी मैं चेरीज का यूज़ कर रही हूँ, चेरीज का मूज बेस। बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। मैंने बिल्कुल भी वीडियो को फॉरवर्ड नहीं किया है ताकि आप लोग आराम से अच्छे से देख लें कि मैं किस तरह ब्लेंडिंग करती हूँ, किस तरह टैपिंग करके बेस को सेटल्ड करती हूँ। ये मैं नमी वाले पफ से लगा रही हूँ। कैमोफ्लेज भी मैंने थोड़ा नमी वाले पफ से किया है और ये वाला बेस भी। पफ को अच्छे से वॉश करने के बाद टॉवल ड्राई कर लिया करें तो उससे सिर्फ नमी रह जाती है, बहुत ज़्यादा वेट नहीं रहता है। बहुत ज़्यादा पफ गीला होने की वजह से भी बेस हमारा स्लिप हो जाता है, सेट नहीं हो पाता। अच्छे से मैंने पूरे फेस पर लगाने के बाद ब्रश की मदद से इसको ब्लेंड किया है और फिंगर के की मदद से इसको टैप करके देखना है। अगर फिंगर का निशान आ रहा है तो इट मींस कि आपका बेस अभी ब्लेंड नहीं हुआ है। अगर फिंगर का निशान नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपका बेस अब बिल्कुल ब्लेंड है। अब आप इस पे अपना सेकंड बेस लगा सकते हैं। अच्छे से ब्रश की मदद से ब्लेंड करेंगे। नोज़ के कॉर्नर्स, लिप्स के कॉर्नर्स, आंखों के कॉर्नर्स, इन सबको बहुत ध्यान से लगाना होता है क्योंकि ये एरियाज़ बाज़ लोग छोड़ देते हैं और ये बुरे लगते हैं बात वगैरह करने में। इसके बाद मैंने ड्राई केक लिया है मोराल कंपनी का। ड्राई केक लेके मैंने बिल्कुल सूखे पफ से इसको टैप किया है क्योंकि मैं वेट, जाहिर सी बात है वेट चीज़ यूज़ कर रही हूँ तो उसको गीले पफ से मैं ब्लेंड नहीं करूँगी। इसको मैंने ड्राई पफ से अच्छे से टैप किया है, ब्लेंड किया है। ये मैंने 45 का ड्राई केक लिया है, इसके अंदर 1 पिंच मैंने F1 का ऐड किया है ताकि इनकी जो टोन है वो थोड़ी सी फेयर हो जाए, बहुत ज़्यादा डल ना रहे क्योंकि एक घंटे के बाद बेस खुद ब खुद डल होता है 1 टोन। अच्छे से ड्राई केक की एप्लीकेशन करेंगे। मैंने समझाने के लिए बिल्कुल भी वीडियो को फॉरवर्ड नहीं किया है, जिस तरह मैं काम कर रही थी एज इट इज़ मैंने वीडियो डाली है। बेस को जितना टाइम देंगे, जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी, जितना अच्छा टैप करेंगे उतना अच्छा लॉन्ग लास्टिंग सेटल्ड होगा। इसके बाद मैंने कॉम्पैक्ट लिया है चेरीज कंपनी का मिनरल कॉम्पैक्ट, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में अपनी बताया था कि इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, उसका मैंने 01 नंबर लिया है। अच्छे से इसको टैपिंग फॉर्म में लगाएंगे और अच्छा खासा लगाएंगे, कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है बेस में। बाज़ लोग बहुत कम क्वांटिटी लगाते हैं फिर ब्लेंडिंग में सारा ही ख़त्म हो जाता है, फिर ये होता है कि हमारा तो बेस ही अच्छा नहीं लगता। तो बेस में हमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़।